क्लास 12 का मैथ मॉडल पेपर 2021 सेट फर्स्ट का हम लोग पूरा डिटेल से सॉल्यूशन एमसी क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बिल्कुल आप लोगों को इजी तरह से इजी तरीका से हम आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग देख लीजिए क्लास 12 का है, ये मैथ है। इससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अपलोड हो चुका है मॉडल सेट का सॉल्यूशन, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपको पूरा डिटेल के साथ में कराऊंगा। चलिए इस चैनल पर बने रहें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे इसका मॉडल जो है पैटर्न क्वेश्चन पैटर्न है, थोड़ा सा उसको भी आप समझ लीजिए कि मॉडल इसका क्वेश्चन पेपर क्या है, इसका पूछने का क्या तरीका है। देखिए आपको समय देगा 3 घंटा, उसमें से आपको देखिए दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन 59 है, यानी टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 59 है। उसमें आपको दिया गया है देखिए सेक्शन ए हैज 30 एमसी क्वेश्चन एंड 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन ईच ऑफ मार्क, यानी 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो है आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको भरने के लिए देगा, यानी 30 क्वेश्चन और 30 प्रश्न जो है आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आपको है वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए खंड ए है, खंड ए का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है खंड ए का पहला क्वेश्चन, लोग देख सकते हैं। देखिए क्या है कि फर्स्ट में है कि f(x) इज ए फंक्शन, ये किस प्रकार का फंक्शन है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है उसमें अगर हम लोग इसको लगा देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, मान ली x है, इसको हम लोग इसको बोलते हैं मॉड बोलते हैं, यानी मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा इसको मॉडुलस फंक्शन, इंग्लिश से मॉडुलस फंक्शन कहते हैं और हिंदी से बोलते हैं मापांक फलन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा आंसर, फर्स्ट का ए होगा। यानी किसी भी अगर हम लोग लगा देते हैं उसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं इंग्लिश से और हिंदी से कहते हैं मापांक फलन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ fx इक्वल टू xy x+1 देन f2, यानी फंक्शन अगर दो इसका मान बैठाएंगे तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है सर, बिल्कुल ईजी है, आप इस फंक्शन में जो है 2 का वैल्यू रख दीजिए, यानी x की जगह पर क्या कीजिए, x की जगह पर यहाँ दिया हुआ कि x की जगह क्या करना है 2 रख दीजिए, तो x की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, नीचे में भी 2 है प्लस 1 तो क्या जाएगा 2/2 और 1 3, एंड 2/3 अगर इस ऑप्शन में आपका वही राइट आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, 2 का राइट आंसर है बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो आप लोग कॉस इनवर्स x जो है आप लोग पता है कि कॉस अगर माइनस अगर कॉस में अगर माइनस हम लोग लगाते हैं तो ये इसका कॉस x बन जाता है, कॉस इनवर्स x बन जाता है, इसका माइनस क्या होता है खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि साइन कॉस में अगर माइनस लगता है तो इसमें क्या होता है पाई में इसको माइनस किया जाता है, यानी इसका फॉर्मूला ही होता है कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो इसको क्या करते हैं पाई में इसको माइनस करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे इसको पाई में इसको माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स आपका जाकर के कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको दूसरा पेज में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/2 का क्वेश्चन मान पूछा कि क्या होगा इसका मेन वैल्यू उसका पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स रहता है तो इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, यानी पाई में उस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है 1/2 कॉस कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस
पाई बटे थ्री यानी 60 डिग्री हम लोग लिखते हैं पाई बटे थ्री लिखते हैं, तो जाएगा पाई माइनस कितना आ जाएगा पाई बटे थ्री। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो थ्री यानी थ्री पाई माइनस पाई तो क्या आएगा, तीन पाई में एक पाई चलता है क्या जाएगा टू पाई बटे थ्री हो जाएगा, यानी अभी ऑप्शन नंबर पर टू पाई बटे थ्री है वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर थ्री का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये दिया हुआ फोर नंबर दिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाट, यानी क्या बराबर दे दिया, यानी इसका मान होता है फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे पाई बटे टू होता है, क्या होता है पाई बटे टू होता है, ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसका और फॉर्मूला होता है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे टू होता है। उसके बाद और आप लोग पढ़े होंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर ये भी होता है पाई बटे टू होता है, ये पाई बटे टू होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे टू होता है, ये होता है। तो इसका यानी यही फर्स्ट नंबर आपको दिया गया था, तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर में क्या होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखिए, आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया है थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस फोर, तो यहाँ दिया हुआ है क्या, अगर आप देख सकते हैं इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं कि ये जब ए है तो जब ए बराबर दिया हुआ है आपका थ्री सिक्स फाइव माइनस फोर दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या किया है टू ए किया है, तो टू ए किया है तो यानी एक जगह फिर सिक्स टू किया है क्या होगा सबके साथ, यहाँ टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बारह हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आठ हो जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में है वही आपका सही हो जाएगा, यानी सिर्फ टू से मल्टीप्लाई हुआ है तो टू से मल्टीप्लाई सबको कर दिए, ये मैट्रिक्स का रूल है कि अगर एक उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पहला नंबर ही ऑप्शन सही है, यानी फाइव का ये ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए छठा नंबर में, तो छठा नंबर में यहाँ पर जो दिया हुआ है ये मैट्रिक्स कर दिया है, तो मैट्रिक्स नहीं होता, आप भी बनाए होंगे ये सॉरी डिटरमिनेंट नहीं होगा, ये मैट्रिक्स का ये चिन्ह होगा, यानी ये साइन ये साइन होगा, ये मैट्रिक्स का साइन नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं ये सॉल्व कैसे होगा, ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और नीचे दिया हुआ है जेड एक्स वाई वन वन वन, ये चीज दिया हुआ है। इसको बोला है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्व क्या होगा। तो इसको हम लोग ये इसको फर्स्ट रो है, तो हम लोग क्या करेंगे इस फर्स्ट रो में आर वन में काम करेंगे, यानी आर वन में क्या करेंगे ये आर टू जो है इसको ऐड कर देंगे, यानी आर टू को ऐड कर देंगे, तो आर टू को इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, आर टू को इसमें ऐड कर देंगे तो आर टू को इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और फिर इसको ले जाएगा हम ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर इसको y को उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, अब फिर यहाँ क्या बचेगा जेड एक्स वाई वन वन वन, ये हो गया। लेकिन मैट्रिक्स का रूल है डिटरमिनेंट का कि अगर आप उसको क्या करते हैं अगर कोई समान है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं, ये इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे इसके पास क्या बचेगा वन, इसके पास भी क्या बचेगा वन, इसके पास वन, फिर जेड एक्स वाई और यहाँ पर क्या होगा वन वन वन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये मैट्रिक्स का रूल है कि यदि यदि दो रो या दो कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है जीरो होता है, अगर इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसका जिस ऑप्शन में अगर जीरो है वही आपका आपका ऑप्शन क्या होगा सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका है जीरो, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा यानी जीरो होगा इसका। सात नंबर में देखते हैं,
साथ नंबर दिया है कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो आप तुरंत अभी देखे थे पिछला नंबर में तो इसका इनवर्स मगर जब इसका प्लस रहता है क्या होता है, इसका वैल्यू पाई बटे टू होता है। जब इसका हम लोग पाई बटे टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो पाई बटे टू जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो पाई बटे टू एक क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, सेवन का राइट आंसर ए होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि आठ नंबर में कि y cos log x देन dy/dx बराबर क्या होगा, तो dy/dx क्या होगा, तो इसको यहाँ पर सॉल्व दूसरा पेज में सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी आपको ये y बराबर दिया हुआ है cos log x, तो पूछा है dy/dx बराबर व्हाट होगा, क्या होगा, तो यहाँ सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो dy/dx तो क्या हो जाएगा, इसमें dy/dx हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos log x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, तो दो फंक्शन अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो ये चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, टूटेगा। तो सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, cos को, ये cos जब टूटेगा क्या हो जाएगा, cos जब टूटेगा तो इसका क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x, तो x की जगह पर क्या है log x, यहाँ हो जाएगा log x। फिर आपका यहाँ x फिर टूटेगा तो x यहाँ पर फिर x का डिफरेंशिएट होगा यानी log x का, तो log x का डिफरेंशिएट होगा क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएट 1/x, तो हो जाएगा माइनस साइन log x बटे x, तो ये आपका राइट आंसर होगा। जिस ऑप्शन वगैरह ये है माइनस साइन log x बटे x है वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप देख सकते हैं कि d बटे डी एक्स ई पर पावर log x। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत से सवालों में आपको बीच में भी आएगा, तो आप याद रखिएगा कि अगर e पर पावर log अगर x आ गया, e पर पावर अगर log x आ गया, तो e पर पावर अगर log कुछ भी आ जाए तो ये log समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो log अगर खत्म हो जाए तो बचेगा क्या, तो log अगर खत्म हो जाए तो x बचेगा। तो सिर्फ अगर x का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं e पर पावर log, अगर e पर पावर मान लेते हैं y लिख दिए, तो ये e पर पावर अगर log है तो सिर्फ e पर पावर log समाप्त हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर में क्या है, यदि y बराबर 2 पर पावर x तो देन y बराबर क्या होगा, ये चीज दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला होता है a पर पावर x का डिफरेंशिएट होता है कि a पर पावर x log a, तो a पर पावर x यहां क्या हो जाएगा, a पर पावर x का मतलब हो जाएगा 2 पर पावर x into log a, तो यहां जाएगा log 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 10 का सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 10 नंबर क्या है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y बराबर 15, तो dy/dx बराबर हुआ। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y बराबर 15, ये आपको dy/dx पूछा है कि बराबर dy/dx बराबर वाट ये पूछा है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे ये हो जाएगा 2x, और इसको जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2y/dy/dx, और यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 बगल हो जाएगा और ये dy/dx हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबके पास 2 है, तो 2 आप सबसे कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा x, और यहाँ सबके पास क्या हो जाएगा y dy/dx
फिर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस dy बटे dx बराबर 0 तो इसको इधर जब इसे भेजेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसके पास क्या बचा अब यहां देखिए x बचा यहां y बचा यानी x प्लस y dy बटे dx प्लस dy बटे dx बराबर 0 इसको यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा लेकिन हमको निकालना क्या है dy बटे dx तो ये दोनों से dy बटे dx कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों से अगर dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं और ex को इधर भेज देते हैं dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा इसके पास y बचेगा इसके पास क्या बचेगा 1 बचेगा और ये इस x को क्या करेंगे बराबर के साइड भेजेंगे तो जाएगा माइनस x अब dy बटे dx को फ्री करते हैं तो dy बटे dx को फ्री करेंगे क्या हो जाएगा ये नीचे चला गया तो माइनस x y प्लस 1 तो यानी माइनस x y प्लस 1 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा माइनस x y प्लस 1 तब देख सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन में राइट का है यानी ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट होगा यूनिट 11 का ए क्या होगा राइट आंसर होगा चलिए अब इसको देखते हैं 12 नंबर का देखते हैं 12 नंबर में क्या है देख सकते हैं इसको यहां पर सॉल्व करते हैं तो ये इसको यहां पर दिया हुआ है यहां पर भी पूछा है कि डिवाइड बटे डिवाइड क्या होगा तो यहां हो जाएगा dy बटे dx तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा तो इसको जब हम लोग फंक्शन तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये cos x का cos इनवर्स x का इसका क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा cos लोगों को पता है कि cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर ये होता है इसका फार्मूला होता है ये इसका फार्मूला होता है तो इस फार्मूला पर अगर आप इसको बैठाते हैं इस फार्मूला पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि y बराबर है cos इनवर्स x पर पावर 3 तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा dy बटे dx और ये इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा तो cos इनवर्स तो ये हो जाएगा माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर तो x के जगह पर कौन है x क्यूब है और ये फार्मूला का है स्क्वायर तो स्क्वायर लग गया लेकिन मेरा यहां पर क्या है x क्यूब है ना लेकिन x होना चाहिए ये चेन रूल के हिसाब से फिर x क्यूब का होगा तो x क्यूब का जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर तो जब ये यहां पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस और ये 3 दोना क्या हो जाएगा x की पावर 6 तो आपका जिस ऑप्शन में ये आपका है वही ऑप्शन आपका सही होगा माइनस 3x स्क्वायर रूट अंडर जब का किस में है तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी में आपका है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेरह नंबर बोला है कि इसमें देखिए इसको दिया हुआ है d2y by dx दिया यानी दो बार इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसका क्या होगा आप देख सकते हैं इसको 13 नंबर में क्या दिया हुआ है कि y बराबर 2x cube plus 3x square plus 6 then d2y by dx2 क्या होगा तो ये आपको दो बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है तो अगर आप इसको यहीं पर कर देते हैं डिफरेंशिएट देखिए ये चीज दिया हुआ है तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy बटे dx और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 into 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 into 2x प्लस ये 0 हो जाएगा यानी फाइनली रूप से क्या हो गया 3 दोना 6x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 6x ये हो गया dy बटे dx का हो गया अब फिर से इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y by dx2 तो ये हो जाएगा 6 into 2x plus 6 into 1 x का जगह 1 तो ये 6 दोना 12x plus ये 6 यानी 12x plus 6 तो आप देख सकते हैं कि 12x plus 6 का ऑप्शन नंबर बी में होता है यानी 13 का तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर उसके बाद आप देख सकते हैं 14 नंबर का 14 नंबर का क्या लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो ये मान लेते हैं कि क्षेत्रफल है a है वृत्त का क्षेत्रफल क्या a है
उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आपको इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, बोल रहा है आर के सापेक्ष परिवर्तन की तरह, देखिए त्रिज्या के सापेक्ष लिखा है, तो आर नीचे में जो रहता है उसका मतलब आर मैंने उसके सापेक्ष बोला गया, तो हम लिखेंगे डी ए बटे डी आर, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, और जब इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा, तो टू आर हो जाएगा, तो पाई इंटू टू आर, आर का मान कितना बोला है आप देख सकते हैं, आर का मान छः ले बोला है, तो छः ले जब लेंगे क्या जाएगा चौदह ना बारह, यानी बारह पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बारह पाई, तो बारह पाई आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं पंद्रह नंबर, देखिए पंद्रह नंबर क्या दिया हुआ है कि एक्स इनवर्स dx, x इनवर्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x इनवर्स जो दिया है इसको हम लोग x इनवर्स को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, x इनवर्स को 1 / x भी लिख सकते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 / x हो गया, तो 1 / x का इंटीग्रेशन होता है, 1 / x का इंटीग्रेशन होता है log mod x plus constant c, तो अब इस ऑप्शन में ये log mod x plus c है, वही आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए ये दिया हुआ है आपका एक मॉड नहीं दिया है, ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, यानी 15 का राइट आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए इसका 16 नंबर का देखते हैं, 16 नंबर का दिया कि 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 आपका साइड हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, यानी फाइनली और कांस्टेंट एक जुड़ेगा, तो कांस्टेंट देखिए सी होता है, पर यहां जोड़ा क्या है k जोड़ा है, तो यानी फाइनली क्या हो जाएगा x प्लस k हो जाएगा, तो यानी x प्लस k जिसमें है वही आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है। उसके बाद दिया हुआ है कि tan x dx, तो tan x dx दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन जो होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है इसका होता है, tan x का होता है log mod sec x होता है, ये होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये log mod sec x नहीं दिया है, किसी ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं log mod इसमें cos दिया है, इसमें भी cos दिया है, इसमें sin दिया है, इसमें sin दिया है, इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो ये log है, log mod sec x हम लोग लिख सकते हैं 1 by cos x लिख सकते हैं, अब cos x को क्या करेंगे, cos x को हम लोग इसको पावर को ऊपर कर सकते हैं, माइनस x लिख सकते हैं, और log का नियम है कि अगर किसी पर पावर है तो वो आगे आ जाता है, यहाँ माइनस तो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा log cos x, यानी आपका फाइनली रूप से हो गया माइनस log cos x और एक कांस्टेंट c, यानी माइनस log mod cos x plus c, आपका जिस ऑप्शन में है यही आपका राइट आंसर है, तो आपका किसमें है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही राइट आंसर है। उसके बाद आपका 10 नंबर है, तो 10 नंबर में दिया हुआ है, 18 नंबर में दिया हुआ है इपर पावर एक्स टेन इनवर्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज दिया हुआ है। देखिए इसको अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो बहुत लॉन्ग बनेगा, इसके लिए आप एक फॉर्मूला ट्रिक याद रखिए, अगर आप उतना लंबा से बना आपको क्या होगा समय नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आप सभी सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप छोटा प्रश्न है एक नंबर दे रहा है, इसलिए आप क्या कीजिए उसको शॉर्टकट में आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, तो शॉर्टकट में बनाने का आपको सिखाते हैं कि आप शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं। आप क्या कीजिए इसको आई मान लीजिए, तो ये आई बराबर हो गया इतना, तो आई मान लीजिए, तो आई मान लीजिए इसका रूल है कि आई बराबर अगर कभी भी ई का फंक्शन इपर पावर एक्स रहेगा और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी आपका यहाँ जो ई पर पावर एक्स है, यहाँ जो फंक्शन यहाँ पर है और उस फंक्शन का यहाँ यदि डिफरेंशिएट दिया हुआ है, तो आप याद रखिए कि उसका हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद होता है ई पर पावर एक्स, और यहाँ पर जो रहता है वही होता है, यानी एफ एक्स ही होगा और प्लस सी, यानी यहाँ पर ई पर पावर एक्स और यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है वही आपका इंटीग्रेशन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ दिया हुआ है इस ऑप्शन में, आप ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन में 18 नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है ई पर पावर एक्स
इनटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का ही ये दिया हुआ है डिफरेंशियल दिया हुआ है वो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल दिया हुआ है इसका मतलब इसी का डिफरेंशियल दिया हुआ है तो इसका आंसर अभी क्या बताएं इसका आंसर होगा e पर पावर x और tan इनवर्स x यानी e पर पावर x हो जाएगा यहां पर जो चीज दिया रहेगा वही इसका आंसर होता है प्लस c तो कांस्टेंट के रूप में जुड़ता है इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसके बाद आप देखिए 19 नंबर चलते हैं तो 19 नंबर में क्या दिया हुआ है 19 नंबर में दिया हुआ है dx / 9 plus x square इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इट इंटीग्रेशन है कि 9 का हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x का हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं तो आप फार्मूला पढ़े होंगे अगर नहीं पढ़े तो आप इस फार्मूला को याद रख लीजिए तीन टाइप का ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और एक होता है x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये तीन टाइप का ये फार्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रख लीजिएगा ये फार्मूला होता है हो सके आप लोग पढ़े भी होंगे इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है 1/√ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x / a प्लस c होता है ये आपका फार्मूला होता है तो यहां पर प्रश्न क्या दिया हुआ था प्रश्न आपका था इंटीग्रेशन 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस फार्मूला पे बैठा दीजिए यानी a हो जाएगा यानी एक जगह पर क्या है 3 है यहां क्या आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x x तो है ही और यहां पर क्या है एक जगह 3 है यानी 3 हो जाएगा प्लस c यानी ये जिस ऑप्शन में है आपका वही आपका सही होगा यानी छोटा-छोटा पूछा गया है लेकिन ये आपको देखिए आपको इसको जवाब देना है थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आप सभी प्रश्नों को सही सही आप जवाब दे पाएंगे इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यानी छोटा-छोटा ये प्रश्न से ही संबंधित पूछा गया है उसके बाद आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है आपका 20 नंबर में दिया हुआ है 20 नंबर में दिया हुआ है x की पावर 5 तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 6/6 आप लोग इंटीग्रेशन जानते ही हैं तो उससे एक अधिक होता है तो उसके बाद ये लिमिट दिया हुआ है यहां b दिया हुआ है और आपका a दिया हुआ है तो 1/6 बाहर आ गया तो ये अपर लिमिट को पहले उठाते थे क्या हो जाएगा b पर पावर 6 माइनस a पर पावर 6 ये आपका आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है यहां आपका 1/6 ही रहने दीजिए तो b पर पावर 6 माइनस a पर पावर 6 तो ऑप्शन नंबर आपका b सही है उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है आप देख सकते हैं लिमिट दी दिया हुआ है 2 4 1/x dx तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x तो log x यहां पर दिया हुआ है लिमिट दिया हुआ है तो 2 4 यानी 4 को पहले बैठाएंगे तो हो जाएगा log 4 माइनस log 2 log 4 माइनस log 2 तो आप लोग log का नियम के अनुसार आप लोग जानते होंगे यदि 2 log अगर माइनस होता है क्या होता है तो बटे में आता है यानी 4/2 हो जाएगा तो 4/2 जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ना 4 यानी फाइनली रूप से आपका आया log 2 यानी log 2 आपका जिस ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है log 2 दिया हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं कि 22 में दिया हुआ है कि अवकल समीकरण की कोटि पूछा है ऑर्डर तो कोटि पूछा है कोटि का मतलब आप जान लीजिए ऑर्डर ऑर्डर कोटि तो कोई भी समीकरण दिया हुआ है अब उसमें देखिए कि मैक्सिमम उसमें कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम इसमें कितना बार डिफरेंशिएट किया है एक ही बार किया गया है अगर आपका ऐसे रहता d2y/dx2 रहता इसका मतलब ये दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता 2 हो जाता पर यहां पर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ एक ही बार इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा यानी 22 का ये ऑप्शन आपका सही होगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि 23 नंबर है 23 का आपका दिया हुआ है तो 23 में आप ऑप्शन के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो आपका सी नंबर आपका
क्या होगा, सही होगा। अगर आप इसको बनाते हैं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए आप क्या कीजिए, इसको ऑप्शन से सही कीजिए, चेक कीजिए। तो ऑप्शन से अगर आप सही करते हैं तो आपका 23 का सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका दिया हुआ 24 नंबर में दिया हुआ है, 24 नंबर में दिया हुआ है मॉडुलस दिया हुआ है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कि मॉडुलस का निकालने का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है कि उसको रूट अंडर में बदल दीजिए, रूट अंडर में उसको गुणांक को बदल दीजिए। तो जे का गुणांक क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर। जे का क्या है, दो है, तो आपका दो हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, के का थ्री है, तो थ्री हो जाएगा। तो एक का गुणांक क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। दो दुना चार प्लस यहाँ तीन तीन नौ, तो नौ चार तेरह एक चौदह, यानी रूट अंडर 14 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद हम लोग चल 25 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 3i माइनस 2j प्लस k एंड बी बराबर दिया हुआ है 4j माइनस इतना दिया हुआ है। ए डॉट बी निकालने के लिए बोला है, तो ए डॉट अगर बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, आपको इस पेज में निकाल के दिखाते हैं। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यानी ए डॉट बी, तो इसका हो जाएगा, इसका हम लोग लिख सकते हैं 3i माइनस 2j प्लस k इंटू 4j माइनस 3k, ये हो गया। इसका गुणांक आपस में मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 3 12, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 10, और फिर यह क्या हो जाएगा, इसका गुणांक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 3 13 और 12 कितना हो गया 25, यानी जिस ऑप्शन में 25 है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद दिया हुआ कि जेड अक्ष की दिक को दिया, यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो जेड एक्सिस का पूछा है, तो जेड एक्सिस का वैल्यू होगा और बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए थ्री डायमेंशन में तीन होता है, तो एक्स होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये होता है। तो आपको देखिए पूछा किसका है, तो आपको पूछा है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पूछा है, तो आपका जेड एक्सिस का वैल्यू वन होगा और इधर जो सेंस जो बचा हुआ आपका जीरो हो जाएगा। अगर एक्स का पूछता तो एक्स का अगर पूछता तो एक्स का होता वन और सेंस आपका इधर जो बचा वो जीरो हो जाता। लेकिन हमको पूछा क्या है, जेड पूछा है, तो जेड हमको क्या होता है लास्ट में, एक्स वाई जेड, तो लास्ट यानी जीरो जीरो वन, जिस ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ 27 नंबर आप देख सकते हैं, 27 नंबर में है कि यदि एक रेखा का दिक को दिया एल एम एन है, यानी इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। ये आपका फॉर्मूला के तौर पर भी याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, डी नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं 28 नंबर में, 28 नंबर में बोला है चलिए 29 नंबर देखते हैं, 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर में, 29 नंबर में दिया हुआ है कि पी ए 3/8, पी बी 1/2, पी बी इतना दिया हुआ है, तो बोला है कि पी यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो पी यूनियन पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो आप इसको बैठा दीजिए, तो क्या दिया हुआ, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/8 दिया हुआ है, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। इसको सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका अगर एलसीएम आप लेते हैं तो क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर 3 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 में अगर 2 गया तो 5/8, यानी 5/8 आपका जिस ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलो 30 नंबर देखते हैं कि दिया हुआ है कि यदि पी ई इक्वल टू 0.6, पी एफ बराबर इतना दिया हुआ है, तो पी ई इंटरसेक्शन इतना रख देना। तो आपका दिया हुआ है पी ई, दिया हुआ है कि पी
इवेंट ये दिया हुआ है पी बाय एफ थ्री। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है यही निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। नीचे में जो चीज रहता है वही यहाँ पर दिया रहता है कि एफ, तो ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ, जो जो दिया हुआ उसको बैठा देते हैं। तो आपको दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ, किसका किसका वैल्यू पता है, तो पी ई का वैल्यू पता है। पी का वैल्यू हमको नहीं चाहिए, किसका चाहिए, पी इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो यह दिया हुआ 0.2 दिया हुआ। अब पी एफ चाहिए, पी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, तो ये दोनों का अगर 10 मिनट उड़ाते हैं क्या खत्म हो जाएगा, 2/3 आपका राइट आंसर होगा। 2/3 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मॉडल सेट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं अगर मॉडल सेट इसमें अगर कोई प्रश्न में अगर आपको लोग को डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग बिल्कुल फिर से उसको समझाया जाएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो इसका अगला जो है 31 से लेकर 40 तक जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण से इसको इसे यहीं पर इसको 30 नंबर तक ही छोड़ देते हैं। आगे 31 से लेकर अगला जो है अगला टॉप वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। तो इसी प्रकार का जितने भी हैं मॉडल सेट का सोल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी न्यूज अगर चाहिए तो इसके लिए आप इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।